गलवान घाटी में शहीद हुए देश के 20 जवानों को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। सोलन के माल रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद जवान अमर रहे के नारे भी लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव ठाकुर और प्रदेश महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी उपस्थित रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार को चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए। उन्होंने कहा कि देश की सरकार की विफलता के कारण देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, जिसके चलते देशवासियों में भारी रोष है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार, प्रदेश महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि देश के सुरक्षा एजेंसियों की चूक की वजह से देश के जवानों को शहीद होना पड़ रहा है, जिसमें प्रदेश का वीर सपूत भी शामिल है। इस मौके पर जहां वे सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वहीं वे मांग करते हैं कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके शहीद के परिवार को 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाजपा के सत्ता में आते ही पाकिस्तान और चाइना कोमा में चले जाएंगे, लेकिन हकीकत सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि अब 56 इंच का सीना दिखाने की जरूरत है और चाइना को सबक सिखाने की आवश्यकता है, लेकिन देश की सरकार का आपस में तालमेल नहीं दिख रहा है, जिसका खामियाजा देश के जवानों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सेना का मनोबल भी कमजोर पड़ रहा है। अपने 20 हमारे जवान जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन समर्पित किए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए त्रासदी है कि 21 से 27 वर्ष के जो है 7 बच्चे हमारे शहीद हो गए, 36 वर्ष का एक हमारा कर्नल जवान संतोष बाबू शहीद हो गया और 11 जवान जो थे हमारे वो 31 वर्ष की एज तक के शहीद हुए। मैं समझता हूँ कि नेथे लोगों पर जिस तरह से वहाँ बार किए गए, हमारी गुप्तचर एजेंसियाँ क्या इस बारे में क्या कर रही थी। और दूसरा जो सवाल किया जाता है वो ये है, माननीय मोदी से जो देश पूछना चाहता है कि माननीय मोदी जी, 15 जून की रात को 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक वहाँ जंग जारी रही, हमारे नेथे सैनिकों को मारा गया और 7 बजे आप अपने जनरलों को निर्देश देते हैं कि जाके वहाँ मीटिंग की जाए। होना तो ये चाहिए था कि हमारी बंदूकें आग उगलती, हमारी तोपें बरसती, हमारी मिजाइलें वहाँ बरसती, उनकी छाती पे हम मूंग दल कर आते, लेकिन उल्टा आज भी मोदी जी झूला झुलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्र इस बात का उनसे जवाब मांगेगा और मांग रहा है और भविष्य में मांगेगा। क्या हमारे बच्चों का खून इतना सस्ता है? 21 वर्ष का हमारा यहाँ का नौजवान बेटा अंकुश ठाकुर शहीद हुआ, क्या हमारे जवानों का शहीद इतना खून इतना सस्ता है? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने एकदम से 5 करोड़ की सम्मान राशि शहीद परिवार को दी है। क्या हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी 2 करोड़ की राशि हमारे जवान को देंगे? हम कांग्रेस उससे मांग करती है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं इस मौके पे उन्हें 2 करोड़ की सम्मान राशि उस बेटे को दी जाए। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, बड़े बड़े सौजवाग दिखाए थे, कहा था जिस दिन मैं शपथ ले लूँगा, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूँगा, चीन और पाकिस्तान कोमा में चले जाएंगे। आज पूरा देश इनका चरित्र, इनका चेहरा, इनकी चाल देख चुका है। आने वाला समय इस बात का जवाब देगा। हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, भारत माता की जय बोलते हुए हम उन्हें याद करते हैं। दुखद बात है कि आज इसके बारे में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल और होम मिनिस्टर दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें बहुत फ़र्क है। एक जगह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में दुश्मन नहीं आया है और एक जगह ये कहा जा रहा है कि हमारी टेरिटरी में डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि हमारी टेरिटरी में जो आए हैं उनको हमने बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया। ये बड़ी दुखद बात है कि जो हमारी दिल्ली में सरकार बैठी है, जो अपना 56 इंच का सीने के बारे में बात कर रही थी, आज उनका क्या हाल है? आज उसने हमारी जो सेना है उसका डिमोरलाइज करा है, उसने हमें इस तरह से दिखाया है कि हम गलत हो रहे हैं, जहाँ पे चाइना हमारे ऊपर बिल्कुल हावी हो रहा है, हर तरीके से हावी हो रहा है, हर जगह से हमें वो घेर रहा है। आप देखिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो हमारे अदर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ वो मिलकर पूरा पूरा प्रहार देश पर कर रहा है। ये सरकार सोई हुई है,
माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी 56 इंच की छाती आज दिखाने का समय है। आप सोए हुए हैं और आप जो भी चीज़ें जो आपके खिलाफ में कुछ चीज़ें आती है वो देश हित में नहीं है। अगर आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, हमारे जो आर्मी है, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका अपमान कर रहे हैं।